सैर हयात के हुए फैंस हैरान, क्योंकि सैर हयात ने की बहुत ही जल्दी शादी, वो भी समी राशिद से। इतनी जल्दी शादी, उनके फैंस ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हुए। लेकिन सैर हयात की अगर बात की जाए तो दोस्तों, टिकटॉक में इनका बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा बहुत सी कमर्शियल्स में भी इन्होंने काम किया और मॉडलिंग में भी इन्होंने काम किया। इनके टिकटॉक की बात की जाए तो इन्हें शोहरत जो है वो टिकटॉक से ही मिली। इनका कहना ये भी है कि इन्हें काफ़ी शौक था टिकटॉक पर आने का, इसीलिए उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। लेकिन उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि उन्हें टिकटॉक से हटकर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया जाए, लेकिन उन्हें मॉडलिंग में चांस मिला, लेकिन अभी तक ड्रामास में उन्हें कोई चांस नहीं मिला। सैर हयात को काफ़ी फैंस पसंद करते हैं, उनके टिकटॉक को काफ़ी देखा गया, उन्हें टिकटॉक में काफ़ी महारत हासिल है। यही नहीं बल्कि उनकी शोहरत की मेन वजह यही प्लेटफॉर्म है। उनका कहना ये भी है कि उनकी कोशिश यही थी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जो है वो टिकटॉक की वजह से नहीं बल्कि और भी प्रोजेक्ट की वजह से मशहूर हो, लेकिन उन्हें ज़्यादा जो शोहरत और पज़ीराई मिली वो टिकटॉक की वजह से ही मिली। लेकिन इतनी जल्दी अचानक से शादी, ये सारी बातें सुनकर तो इनके फैंस काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि इनकी मंगनी जो है वो सैफ से हुई, लेकिन अचानक से इन्होंने शादी समी से कर ली। ऐसा अचानक से क्या हुआ? लेकिन सैर हयात का कहना ये है दोस्तों कि उनके पेरेंट्स को समी बहुत ज़्यादा पसंद था और समी भी उनके घर वालों को काफ़ी पसंद किया करता था, इसीलिए उनके घर वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि इन दोनों की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी और समी से शादी करने का फैसला कर लिया। अभी दो दिन पहले ही दोस्तों उनकी शादी हुई, जिसमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सिंपल से ड्रेस में सैर हयात ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया अपने शोहर के साथ। जबकि समी और सैर की जोड़ी की बात की जाए तो इनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। इन्होंने कोई फजूल खर्ची नहीं की बल्कि सादगी से ही अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी शादी की और इनकी शादी को काफ़ी पसंद भी किया गया। आजकल सोशल मीडिया पर इनकी शादी को काफ़ी लेकर लोग जो है चर्चा में हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा शोहरत की तरफ जा रहे हैं। जबकि दुल्हन के जोड़े में सैर हयात काफ़ी प्यारी लग रही हैं और समी ने सैर के लिए गाना भी गुनगुनाया, जिसमें सैर बार बार शर्माकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें काफ़ी तंग करते दिखाई देते हैं। यही नहीं, बहुत से मशहूर टिकटॉकर्स भी सैर हयात की शादी में मौजूद हैं, जबकि सैर हयात काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही। उनका कहना ये था कि समी उनसे मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने शादी से हाँ की। जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए डॉक्टर इकरा कवल की, तो इनके तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है, बल्कि फ़ैन की लिस्ट इनकी काफ़ी ही लंबी है। अभी गुज़िश्ता दिनों इनकी मंगनी हुई बहुत ही धूमधाम से, जिसमें इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया अपने मंगेतर के साथ। अगर इनकी सिस्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने अपनी बहन की मंगनी में काफ़ी धूमधाम से डांस किया, काफ़ी इंजॉयमेंट की, इनकी फैमिली काफ़ी नजर आती है। डॉक्टर इकरा कवल की शोहरत की बात की जाए तो दोस्तों इन्हें भी जो है सोशल मीडिया से काफ़ी शोहरत मिली, बल्कि मिल रही है। अगर इनके यूट्यूब चैनल्स की बात की जाए तो सारी सिस्टर्स काफ़ी फेमस हैं, अपने ड्रेसेस को लेकर, अपने मेकअप्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया जाता है। इसके अलावा अगर डॉक्टर इकरा कवल की मज़ीद बात की जाए तो ये टीवीज़ में भी आ चुकी हैं, काफ़ी शोज़ में भी अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी हैं। जबकि इनका कहना ये है कि ये पांच सिस्टर्स हैं लेकिन इनका कोई भाई नहीं है, लेकिन इनके पेरेंट्स को कभी इस बात की कमी महसूस नहीं हुई कि इनका कोई बेटा नहीं है, बल्कि ये पांच सिस्टर्स अपने पेरेंट्स के लिए बेटा ही बनकर दिखा रही हैं। सारी सिस्टर्स अपने काम को लेकर काफ़ी पुरजोश नज़र आती हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी धूम मची रहती है, इनके ड्रेसेस को, इनके फैशन को काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर इकरा कवल की मंगनी की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने अपनी मंगनी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट
सेलिब्रेट किया। बहुत से फेमस जो सेलिब्रेट हैं वो भी इनकी मंगनी में हाजिर हुए। उसके अलावा डकी भाई की बात की जाए तो वो भी अपनी बीवी के हमरा इकरा कवल की मंगनी में मौजूद थे। उसके अलावा बहुत से टिकटॉकर्स भी और इनके फैमिली मेंबर्स भी काफी मौजूद थे। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर इकरा कवल और सैर हयात की शादी और मंगनी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हर तरफ कवल 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 और हर तरफ सहर सहर हो रहा है। अगर इकरा कवल के घर वालों की बात की जाए तो सब एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। इनके घर में काफी हल्ला गुल्ला मचा रहता है। जबकि दोस्तों सारी सिस्टर्स सोशल मीडिया के फील्ड से ही ताल्लुक रखती हैं और सबने अपना अपना नाम बनाया। हर कोई इन्हें जानता है और काफी पसंद भी किया जाता है। अगर बात की जाए इनके टिकटॉक की तो ये टिकटॉक पर भी काफी ज्यादा फेमस हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये बहनें काफी मशहूर हैं। दोस्तों मिलियंस में लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके फैशंस को पसंद करते हैं और इनके आइडियाज को भी पसंद किया जाता है। यानी कि अगर इनके फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो दोस्तों वो भी मिलियंस में ही है। फिलहाल आजकल तो इकरा कवल की मंगनी की काफी धूमधाम नजर आती है। बहुत ही खूबसूरत अपनी मंगनी में ये दिखाई दे रही थी।